आज का ये आर्टिकल आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन वैसे भी सामान्य जानकारी के लिए भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हाल में ही आप लोगों ने देखा कि 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री साहब ने अपना राष्ट्रध्वज भी फहराया है और वहाँ अपना संबोधन भी दिया है। और कई लोग तो इसी में भ्रमित रहते हैं कि ये स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो याद रखिए, स्वतंत्रता दिवस का ये मतलब है कि 15 अगस्त 1947 को जब हमें आजादी मिली है, तो उसी की खुशी में आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस आपको 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था। वैसे संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था कुछ प्रावधानों के साथ, लेकिन पूरी तरह से आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो गणतंत्र दिवस उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आज भारतीय राष्ट्रीय जो तिरंगा है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। वैसे भी आप जानते हैं कि अगर हमारे राष्ट्रवाद की बात करें तो पूरे देश को, सभी वर्गों को, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी समूह हो, किसी भी जात का हो, ऊंचा हो, नीचा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सभी को एक अगर धागे में बांधने की बात करें तो संविधान और राष्ट्रध्वज। आप समझ सकते हैं कि हमारे धर्म अलग 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 हो सकता है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज एक ही है, फिर चाहे आप दक्षिणी भारत राज्यों में जाइए या फिर किसी भी राज्य में जाइए। तो हाल ही में भारत द्वारा वर्ष 2020 में अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तथा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त के दिन लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन की बात करें हम लोग, तो भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे के डिजाइन का श्रेय काफी हद तक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। इस नाम को याद रखिए, क्योंकि मैंने देखा है वनडे एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है और आपका इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लिया गया है इसे। तो इसे डिजाइनकार कौन थे? पिंगली वेंकैया। इन्होंने दो प्रमुख समुदायों, मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम के प्रतीक के रूप में दो रंग की पट्टियां, बैंड, लाल और हरे रंग को मिलाकर झंडे की एक मूल संरचना प्रस्तुत की है। महात्मा गांधी द्वारा शांति एवं भारत में रहने वाले बाकी समुदायों तथा देश की प्रगति के प्रतीक के रूप में चरखा का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस ध्वज में एक सफेद बैंड को जोड़ने का सुझाव दिया है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ये किसी एक जाति समूह को लेकर चलता है, नहीं, इसमें आप देखिए कि सभी को शामिल करने की बात की गई है। वर्ष 1963 में पेंगली वेंकैया का निधन हो गया तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए वर्ष 2009 में उनके मरणोपरांत उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया। वर्ष 2014 में उनका नाम भारत रत्न के लिए भी प्रस्तावित किया गया था। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास की, यानी कि राष्ट्रीय जो हमारा तिरंगा है इसके इतिहास की। वर्ष 1906, ये बहुत पहले की बात है जब हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज संभवतः 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। इस ध्वज में लाल, पीले, हरे रंग की तीन क्षैतिज पट्टियां शामिल थीं, जिनके मध्य में आप वंदे मातरम लिखा हुआ था। झंडे पर लाल रंग की पट्टी में सूर्य और अर्धचंद्र का प्रतीक था और हरे रंग की पट्टी में आठ आधे खुले कमल थे आपके। फिर बात करते हैं 1907 की। मैडम भीकाजी कामा और निर्वाचित निर्वासित क्रांतिकारियों के समूह द्वारा सन 1907 में जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया गया, जो विदेशी भूमि में फहराया जाने वाला पहला राष्ट्रीय ध्वज था। फिर आता है 1917, डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन के दौरान एक नए झंडे को अपनाया गया। यह 5 वैकल्पिक लाल रंग एवं 4 हरी क्षैतिज पट्टियों में मिलकर बना था, जिसमें सप्तऋषि विन्यास में 7 सितारे थे। इस संयुक्त ध्वज में एक सफेद एवं अर्धचंद्राकार तारा ध्वज के शीर्ष पर कोने पर विद्यमान था। फिर आता है 1931, कांग्रेस समिति की कराची में बैठक में तिरंगे को पेंगली वेंकैया द्वारा प्रस्तावित भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। ध्वज के लाल रंग को केसरी रंग से बदल दिया गया एवं रंगों का क्रम बदला गया। इस ध्वज में की कोई धार्मिक व्याख्या नहीं की गई थी।
ध्वज के शीर्ष पर स्थित केसरी रंग ताकत और साहस का प्रतीक है। मध्य में जो आप सफेद रंग देखते हैं ये शांति और सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है, एवं ध्वज के नीचे जो आप हरा रंग देखते हैं ये भूमि की उर्वरता और वृद्धि और शोकता का प्रतीक करता है। तो ये भी आपका कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि पूछ लेगा कि सफेद जो हमारे तिरंगे में सफेद रंग है ये किसको इंगित करता है, तो आप कहिए कि शांति और सच्चाई को। ध्वज में विद्यमान चरखे को 24 तिलियों से युक्त अशोक चक्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि गति में जीवन और स्थायित्व में मृत्यु है। आप देखिए कि 40 जो 24 तिलियां है ये आपका एसएससी में एक बार क्वेश्चन बन चुका है, पता है 2015 की बात है। तो एक लड़का पूछ रहा था कि कितनी तिलियां होता है, उसे पता नहीं होगा, तो मैंने उससे कई बार बोला 24, तब आप समझ सकते हैं कि ये मतलब कई लोगों को पता नहीं रहता है इसके बारे में, तो इस तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार आकार में होना चाहिए जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 3:2 के अनुपात में हो। ये आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग 1906 का है, वंदे मातरम इस तरह से था, ठीक है। ये फ्लैग आपका कब का है, 1906 का। ये आपका 1907 का है, ये आप देख रहे हैं 1907-17, ये आपका 1921, ये आपका 1931 का, और ये है आपका 1947 का, और आज भी हम लोग इसी को देखते हैं, ठीक है, अपनी जिंदगी में। ये भी हमारे याद रखिए पुराने। अब बात करते हैं संविधानिक एवं कानूनी पक्ष की, बात कर लेते हैं। संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को अपनाया गया। इस डेट को भी याद रखिए, ये भी कई बार पूछ ली गई है, 22 जुलाई 1947 को। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज गहरे केसरिया केसरी समान अनुपात में सफेद और गहरा हरे रंग का तिरंगा होगा। सफेद पट्टी में गहरे नील रंग का चरखे द्वारा प्रतिस्थापित है, यानी कि पहले आपका चरखा हुआ करता था, जो अशोक की सारनाथ स्थित राजधानी के सिंह स्तंभ पर उपस्थित है। संविधान सभा की समितियों में से एक राष्ट्रीय ध्वज पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान का भाग 4A जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल है 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, और अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों और संस्थानों राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। मैंने वैसे भी आपको कई बार बताया भैया कि मौलिक अधिकारों के प्रति हम लोग काफी जागरूक हैं, लेकिन अपने जो मौलिक कर्तव्य है इसके प्रति हम लोग जागरूक नहीं है। आप देखते हैं कि जब धरना प्रदर्शन होता है तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। ये हमारा मतलब, आप सोचिए अगर हम लोग मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य हमें मालूम होते और हम उसके प्रति जागरूक रहते तो हम कभी इस तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। तो मौलिक कर्तव्य में ही आपका जोड़ा गया है कि हमारा जो भी राष्ट्रीय धरोहर है उसका सम्मान करना चाहिए, समझ रहे हैं? एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत वर्णित निम्नलिखित अपराधों के लिए दोषी पाया जाता है तो उसे 6 वर्ष तक के लिए संसद एवं राज्य के विधानमंडल के चुनाव में लड़ने के लिए आयोग घोषित किया जाता है। इन अपराधों में शामिल होता है राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना। अगर कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसे 6 वर्ष तक के लिए संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव में लड़ने के लिए आयोग घोषित किया जाता है, और कई बार आप देखेंगे कि सजा का भी प्रावधान किया जाता है। भारत के संविधान का अपमान करना और राष्ट्रगान गाने से रोकना। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित, ठीक है।